हेलो एवरीवन। सो अभी मैं हूँ इन्फोसिस मैसूर कैंपस में। मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए आया हूँ ऑफिस के काम से। तो आज ये व्लॉग में आपको मैं इन्फोसिस का मैसूर कैंपस बताऊंगा, प्लस इनका जो ECC है मैसूर का जो गेस्ट हाउस है वो बताऊंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिकॉज ये वन ऑफ द बिगेस्ट गेस्ट हाउस है। यहाँ पे 95 बिल्डिंग्स है सिर्फ गेस्ट हाउस के लिए, और जो ऑपरेशनल वाला बिल्डिंग है जहाँ पे मतलब बिजनेस होता है वो यहाँ पे कम है, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइमरीली अ ट्रेनिंग सेंटर। और ये कैंपस बहुत ही बड़ा है, जो बैंगलोर का कैंपस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले व्लॉग में, उससे ये 3 टाइम्स बिगर है ये वाला जो मैसूर का कैंपस है वो, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। इसके वजह से ही इसका जो स्पेस है ये कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक टाइम पे काम कर सकते हैं। कैपेसिटी बहुत इसकी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी रहता है और एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं। तो अगर आपने मेरा बैंगलोर वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी आप चेक कर सकते हो। आज ये व्लॉग में हम पूरा विजिट करेंगे मैसूर कैंपस ECC, और जो रूम में मैं रह रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मेरा रूम जहाँ पे मुझे रहना है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, मंडे ट्यूजडे एंड वेनसडे। यहाँ पे 2 बेड है, ऑल्दो ये नॉन शेयरिंग रूम है। यहाँ पे एक टेलीविज़न है, और उसके साथ साथ यहाँ पे वेफर्स है, स्नैक्स है, और चॉकलेट है, और फ्रूट है। उसके साथ साथ शुगर, टी, कॉफ़ी, मिल्क पाउडर और पानी और कप्स है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन है एंड क्लॉक है छोटा सा, और यहाँ पे ये फ़ोन नंबर्स है अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो। और ये जो इसका फ़ोटो है उसका मैं बैकग्राउंड आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। ये जो इन्फोसिस लिखा हुआ है ये बिल्डिंग्स का पैटर्न है, अगर आप ऊपर से देखोगे यही कैंपस में जो बिल्डिंग्स है उसका पैटर्न है, तो उसको उस शेप में डिज़ाइन किया हुआ है, तो हम देखेंगे वो आगे ये वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे चेयर और टेबल है, अगर किसी को काम करना हो गेस्ट हाउस में बैठ के, वैसे ही एक वो साइड भी है। उसके बाद यहाँ पे टेबल है और वापस से 2 चेयर से अगर आपको रिलैक्स करना हो, कोई फ्रेंड या कॉलीग आया हो तो। और ये है वेलकम किट इसका, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ये ऑफ साइट वेलकम किट है। और ये है व्यू मेरे गेस्ट हाउस के बाहर का, जो मेरा रूम है उसके बाहर का। सो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है, सुबह को अगर आप उठ के यहाँ पे एकदम देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। तो ये हमने कर दिया है रूम लॉक, और अब हम जाते हैं पहले बाहर। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे ये जो गेस्ट हाउस के बिल्डिंग्स है वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये है बाहर का व्यू, जो मेरा रूम है उसके बाहर का ये व्यू है। यहाँ पे जो आप रूम्स देख रहे हो ये पूरे गेस्ट हाउस ही है, ये वाले बैच के। तो यहाँ पे अलग अलग बैचेस है जिसमें अलग अलग गेस्ट हाउस है। तो जैसा मैंने आपको बताया टोटल 95 बिल्डिंग्स है ऐसे, तो इसी में से ये एक बिल्डिंग है, और ये बैच में यहाँ पे 8 to 10 बिल्डिंग्स है। तो अब हम जाते ये गेस्ट हाउस का जो एरिया है उसके बाहर, ताकि हम जो मेन जो आइकॉनिक व्यूज है वो देख सके। सो फाइनली आ चुका हूँ मैं बाहर, और सामने जो आप देख रहे हो ये रेस्टोरेंट वो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होता क्या है। तो ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मतलब बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा लेक इन्होंने बनाया हुआ है, और वो लेक के बीच में ये रेस्टोरेंट है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया लाइफ में। आप देख सकते हो इसमें फिशेस भी है। तो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कंसेप्ट, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब आप इसमें अगर कभी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि चारों बाजू पानी होगा और उसमें फिशेस और भी दूसरे क्रिएचर्स रहेंगे। सो ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, यहाँ पे ही हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। बट अभी सुबह के 6 बजे मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ क्योंकि मुझे ये रिकॉर्ड करना था। अब हम चलते हैं जो मेन आइकॉनिक व्हाइट हाउस का व्यू है वो देखने के लिए। सो यर इज़ द मेन आइकॉनिक व्हाइट हाउस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग नंबर 1 ही है, मतलब ये सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है पूरे मैसूर कैंपस का। जो एंट्रेंस पे ये गेट नंबर 1 से अगर आप एंट्री करोगे तो यही बिल्डिंग होगा, और ये आपने बहुत सारे फोटोज़, वीडियोस हर जगह पे देखा होगा, मेरे स्टोरी में भी। तो इसको जो तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है वो इंस्पिरेशन लिया गया है US के व्हाइट हाउस से। सो उसी का पैटर्न आपको कुछ इसमें दिखेगा, जो ये व्हाइट हाउस बिल्डिंग है उसमें। और यहाँ पे फोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, जो भी मैसूर कैंपस में आता है बेसिकली वो यहाँ पे फोटोज़ क्लिक करता है। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोस में, जो बहुत ही इन्होंने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है इसको।
अब हम जाएंगे देखने ये आइकॉनिक सर्कल। तो ये आइकॉनिक सर्कल के साथ भी आपने मेरा फ़ोटो देखा होगा जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, मेरा फ़ोटो भी आपने देखा होगा और बहुत सारे स्टोरीज़ में भी मैंने पोस्ट किया था। तो यही है वो आइकॉनिक सर्कल बिल्डिंग, और इसके साथ साथ बाजू में दो ग्राउंड है, एक है बास्केटबॉल और एक है वॉलीबॉल, और उसी के साथ में स्विमिंग पूल भी है इसके पीछे। आपको बताता हूँ स्विमिंग पूल, तो जब ऑन द वे आप रहोगे स्विमिंग पूल जाने के लिए तो आपको ऐसे बहुत सारे लेक्स मिलेंगे। तो ऐसे 9 to 10 लेक्स है टोटल कैंपस में। तो ये जो लेक्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब टू कीप द वाटर सप्लाई गोइंग, ये सारे लेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये वे से अगर हम जाएंगे तो स्विमिंग पूल आएगा। और रास्ते में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टेनिस कोर्ट भी है, ऐसे टोटल दो कोर्ट है, एक नीचे है और एक अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे जब जहाँ पे हम अभी जाएंगे वो है। तो ये है टेनिस कोर्ट नंबर 1, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये बंद है और कोई है भी नहीं क्योंकि अभी सुबह के 6:30 ही बजे हुए हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग है। और ये कोर्ट नंबर 1 था और ये है कोर्ट नंबर 2। सो ऐसे दो अलग अलग कोर्ट्स है टेनिस कोर्ट के लिए, और उसके साथ लेफ्ट साइड में है स्विमिंग पूल जो अभी हम देखेंगे। तो ये है स्विमिंग पूल, ये कैंपस का बहुत ही बड़ा है और बहुत ही स्पेशियस है, बट अभी तो सुबह अर्ली मॉर्निंग है तो अभी इसमें कोई है नहीं, वरना अगर आप देखोगे मतलब जो इवनिंग का टाइम होता है उस पर बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं। तो ये इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है और ये ब्यूटीफुल भी बहुत है। सो कैंपस में ऐसे अलग अलग बहुत सारे बिल्डिंग्स भी है जहाँ पे यहाँ के ट्रेनीस और एम्प्लॉयज़ रह सकते हैं। वैसे बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग है बट एक आपको बताने के लिए मैंने ये वाले बिल्डिंग का रिकॉर्डिंग किया है। तो ये जो लाइन में सारे बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हो इसको डिज़ाइन किया गया है इन्फोसिस के नाम के पैटर्न में। तो अगर आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको बताया था मेरे रूम में एक डायरी था जिसमें ऊपर का व्यू था ये बिल्डिंग्स का, तो मैं आपको अभी वापस बताऊंगा ताकि आप रिलेट कर सको। तो ये सारे बिल्डिंग्स को ऐसे डिज़ाइन किया है जैसे अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको इन्फोसिस पूरा वर्ड दिखेगा। तो अभी मैं आपको इसका बताता हूँ व्यू डायरी से। तो ये है टॉप व्यू, तो जैसे आप देख सकते हो INFOSYS। तो ये पैटर्न में जितने भी बिल्डिंग्स है ये वाले पर्टिकुलर एक लाइन में लेन में, तो ये एक लेन अलग है उसमें जो जो बिल्डिंग है उसको इन्फोसिस वर्ड के पैटर्न में डिज़ाइन किया है। सो ये है वो सारे बिल्डिंग, ये सारे बिल्डिंग को उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कि अगर आप ऊपर से देखो तो आपको इन्फोसिस वर्ड दिखाई देगा। तो ये है बैडमिंटन कोर्ट, तो यहाँ पे 5 to 6 अलग अलग नेट्स है, काफ़ी बड़ा है ये बैडमिंटन कोर्ट भी। तो अगर कोई भी एम्प्लॉई या फिर ट्रेनी उनको अगर बैडमिंटन खेलना है तो वो कभी भी यहाँ पे आके बैडमिंटन खेल सकते हैं। और बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के रूम हैं, हम सारे एक एक करके देखेंगे। तो ये पूरा एक अलग ही एरिया है कैंपस में जहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड रूम्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये जो बैडमिंटन कोर्ट है वो, बात यह है स्नूकर रूम, यहाँ पे बहुत सारे स्नूकर टेबल्स है। सो जनरली बहुत सारे लोगों को पसंद होता है स्नूकर खेलना, ऑल दो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो ये स्नूकर रूम है, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे टेबल्स है स्नूकर्स के लिए। तो अगर किसी को स्नूकर खेलना हो तो वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है, अभी अर्ली मॉर्निंग है इसलिए ये बंद है। के बाद यह है म्यूज़िक रूम, देखते हैं इसमें क्या है। तो इस पर कुछ बैंड इंस्ट्रूमेंट्स है म्यूज़िक के रिलेटेड और कुछ चेयर्स है। सो ये था म्यूज़िक रूम। उसके बाद ये है योगा रूम, और यहाँ पे लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब, बट कोई है नहीं यहाँ पे इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ डोर और आपको बता रहा हूँ कि अभी कोई भी है नहीं यहाँ पे। तो यह है योगा रूम।
उसके बाद यह है बोलिंग स्पेस, आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट ये गेम होगा बोलिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ट्रैक्स है बोलिंग के लिए, और ये पूरा जो जगह है वो स्पेसिफिकली बोलिंग के लिए ही है। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ है ट्रेनीज है वो इवनिंग में आके बोलिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ रिलैक्स कर सकते हैं। के बाद एरोबिक्स के लिए ये वाला रूम है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर एरोबिक्स के रिलेटेड किसी को कुछ एक्टिविटी करना हो तो वो यहाँ पे आके वो एक्टिविटी कर सकता है, और ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इन्होंने म्यूज़िक और एरोबिक्स को भी ऐड किया है। इस रूम में यहाँ पे कुछ इंडोर गेम्स है जैसे टेबल टेनिस और कैरम, और भी 3-4 छोटे छोटे इंडोर गेम्स है। और ये है बास्केटबॉल का ग्राउंड, यहाँ पे 2 अलग अलग कोर्ट्स है, और उसी के एग्जैक्टली सामने आइकॉनिक सर्कल का बिल्डिंग जो हमने पहले देखा था व्लॉग में। और बास्केटबॉल ग्राउंड और वॉलीबॉल ग्राउंड दोनों बाजू बाजू में ही है, तो अभी मैं आपको वॉलीबॉल ग्राउंड भी बताता हूँ। तो सबसे पहले ये है बास्केटबॉल ग्राउंड जो अभी हमने देखा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट साइड में तो यहाँ पे वॉलीबॉल का भी ग्राउंड है। अब हम जाएंगे देखने जो मेन सबसे बड़ा ग्राउंड है क्रिकेट का, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होगा क्रिकेट, तो क्रिकेट का ग्राउंड सबसे बड़ा है और बहुत ही स्पेशियस है, तो अब हम वो देखेंगे। सो फाइनली ये है इन्फोसिस मैसूर कैंपस का क्रिकेट ग्राउंड जो बहुत ही बड़ा है, मतलब अगर कभी भी क्रिकेट का गेम यहाँ पे अरेंज होता है तो वो बहुत अच्छे से अरेंज हो सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड है वो काफ़ी स्पेशियस है, और बीच में आप देख सकते हो पिच है, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, मतलब अगर आपके कोई कॉलीग या फिर फ्रेंड या फिर कोई और अगर किसी को बैठ के देखना हो गेम तो वो भी यहाँ पे बैठ के देख सकता है। तो ये था क्रिकेट ग्राउंड, अब हम देखते हैं जिम। सो ये है जिम, ये कैंपस का जो काफ़ी स्पेशियस है, और अभी सुबह का टाइम है तो इस पर आप देख सकते हो कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो ये है जॉगिंग ग्राउंड जो काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे अगर कुछ छोटा मैराथन वगैरह होता है तो वो यहाँ पे जनरली अरेंज होता है, और ये जॉगिंग ग्राउंड के बाजू में जो आप सामने देख रहे हो वो फुटबॉल ग्राउंड है, और इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे 3-4 आइकॉनिक बिल्डिंग्स भी है जो आप देख सकते हो पीछे। सो ये सारे बिल्डिंग्स है, इसको काफ़ी आइकॉनिकली डिज़ाइन किया गया है, और ये जो ग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है। और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हर स्पोर्ट का ध्यान रखा गया है, मतलब फिर चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या फिर जॉगिंग हो, तो यहाँ पे मैराथन जैसा अगर कोई इवेंट होता है तो वो भी यहाँ पे अरेंज हो सकता है। और ये है इसके पीछे है जो बिल्डिंग्स है वो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है जिसको काफ़ी यूनिकली डिज़ाइन किया गया है। तो ये काफ़ी यूनिक मुझे लगा है कि यहाँ पे रोप क्लाइंबिंग के लिए भी अलग ग्राउंड है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हर स्पोर्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, मतलब जिम और क्रिकेट और फुटबॉल, ये सारे तो आपको बहुत सारे कैंपस में दिखेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो रोप क्लाइंबिंग के लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड प्लेस है। तो ये था इन्फोसिस का मैसूर कैंपस, आपको कैंपस में ऐसे बोर्ड्स भी दिखेंगे हर जगह पे ताकि आपको पता चले कि कौन से साइड जाना है जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे, क्योंकि ये कैंपस बहुत बड़ा है। और अभी मुझे जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, मेरा 9 o'clock से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी हम ये व्लॉग को एंड करते हैं। ये गोल्फ कार्ट है, गोल्फ कार्ट में मैं जाऊँगा जो जहाँ पे ब्रेकफास्ट होने वाला है वहाँ पे, और उसके बाद सेशन अटेंड करने हैं, क्योंकि ये कैंपस बड़ा है तो आपको हर जगह पे ऐसे गोल्फ कार्ट्स मिलेंगे ये कैंपस में। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।